फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टू इंटीग्रेट वोइवा वॉल्ट सिस्टम टू अनदर एप्लीकेशन। तो अगर आपको दो सिस्टम को कनेक्ट करना है तो उसको अपन इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो वोइवा वॉल्ट से अगर आपको कोई डेटा सेंड करना है अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के ऊपर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक वोइवा CRM हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, कोई आपने एक पर्टिकुलर आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जो आपने डिजाइन कर रखा है, आप चाहते हैं कि वहां पर आपका पूरा डेटा फ्लो हो जाए वीओ वॉल्ट से। तो इन चीज़ों को कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, दो सिस्टम को कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर हाई लेवल डिजाइन यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको कंसिडर करेंगे, दो सिस्टम में अपन डिवाइड करेंगे। वोइवा वॉल्ट हो गया आपका अप स्ट्रीम एप्लीकेशन, अप स्ट्रीम एप्लीकेशन इन द सेंस जहाँ से आप डेटा सेंड करने वाले हो, और डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन हो गया आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन या फिर एक्सटर्नल सिस्टम जहाँ पर आप डेटा रिसीव करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, जब भी दो सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं तो बीच में कोई ना कोई एक थर्ड एप्लीकेशन आता है जिसको अपन बोलते हैं मिडिल लेयर एप्लीकेशन। और वोइवा वॉल्ट को अगर आपको एक्सटर्नल सिस्टम मतलब आपको अपने पर्सनल सिस्टम से कनेक्ट करना है, पर्सनल एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, तो बीच में एक मिडिल लेयर एप्लीकेशन लगेगा और उसको जनरली अपन यहाँ पर MuleSoft का यूज करते हैं वोइवा वॉल्ट से कनेक्ट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, ओवरऑल पिक्चर के लिए अपन चलते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चर डायग्राम पे, और जो वोइवा वॉल्ट टीम ने ही खुद से डिजाइन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए अपन वॉल्ट आर्किटेक्चर के ऊपर, और यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो डिजाइन किया हुआ है वोइवा के। आप इंटीग्रेशन पोर्टल पे जाएंगे, डेवलपर फोरम पे जाएंगे, वहां पर भी आपको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग वॉल्ट ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम वॉल्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्ट से डेटा आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको सेंड करना पड़ेगा मिडिल लेयर एप्लीकेशन पे, और मिडिल लेयर एप्लीकेशन से आप अपने एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर डेटा आप सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कनेक्शन की बात आती है कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। वॉल्ट से डायरेक्टली आप एक्सटर्नल सिस्टम का कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मिडिल लेयर एप्लीकेशन जो दिया गया है, मिडिल लेयर एप्लीकेशन से आपको वोइवा वॉल्ट का कनेक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मिडिल लेयर एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी आपका रहेगा MuleSoft। तो MuleSoft से आपको वोइवा वॉल्ट का कनेक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए आपको म्यूल एंड टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ URL देंगे कि लाइक एक ये वाला एप्लीकेशन का URL है, और इस URL के ऊपर आपको वॉल्ट का डेटा ट्रिगर करना है। तो उस URL में बेसिक ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड से भी वो सिक्योर्ड हो सकता है, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट से भी हो सकता है, और अगर आपका म्यूल एंड का जो URL है अगर वो पासवर्ड लेस है तो भी वॉल्ट मेक श्योर करता है कि जो आपका जो ट्रांजेक्शन ऑफ द डेटा होगा वो सिक्योर्ड वे में ही होगा। तो अगर आपका म्यूल URL अगर पासवर्डलेस भी है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और वो सिक्योर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही डेटा वहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, MuleSoft का एक URL लेना पड़ेगा, वो वोइवा वर्ल्ड में एडमिन में जाके आपको कनेक्शन में वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कनेक्शन में। उसके बाद जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है या फिर क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है वो आपको कनेक्शन ऑथराइजेशन में क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप उसको लिंक करेंगे अपने कनेक्शन के साथ। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर मैंने यहाँ पर बता दी है कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा वोइवा वॉल्ट से। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट एक्शन कोड वगैरह बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड चाहिए, और लाइक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल्स है और रिक्वायरमेंट आई हुई है कि आपको हर एक लाइफ साइकिल्स के डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रिगर कराने हैं एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर, या फिर जो भी सारा डेटा यहाँ पर वोइवा वॉल्ट में आ रहा है हर एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एक्सटर्नल सिस्टम में ट्रिगर कराना है। तो वो कैसे क्या आप कराएंगे, उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आपको मिडिल ईयर एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा MuleSoft से। तो MuleSoft के ऊपर आपका थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में मेटा डेटा जाएगा, लाइक लेट सपोज का डॉक्यूमेंट का स्टेटस जा रहा है, डॉक्यूमेंट आईडी जा रही है। उसके बाद MuleSoft टीम को एक्सपोज करनी पड़ेगी वॉल्ट की API एट म्यूल एंड, और वो उसके बेसिस पे एक्चुअल कंटेंट या फिर मेटा डेटा जो भी रहेगा वो उसको फैच आउट करेंगे, और म्यूल एंड फिर कनेक्ट करेगा एक्सटर्नल सिस्टम से और ट्रांसफॉर्म कर देगा, लोड कर देगा सारा मेटा डेटा अलॉन्ग विद द एक्चुअल कंटेंट टू द एक्सटर्नल सिस्टम। तो दिस वॉज दी ओवरऑल डिजाइन जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हुई है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोज में मैं और डिटेल वे में आपको बताऊँ कि आप वोइवा वॉल्ट से एक्सटर्नल सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू MuleSoft। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।